नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताऊंगा कि क्यों अफसरों पर शिवराज सिंह चौहान इन दिनों जमकर बरस रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सत्ता पाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तकरीबन 8 घंटे लंबी मैराथन बैठक मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों, आईजी, कमिश्नरों और एसपी के साथ थी। इसका मकसद था मध्य प्रदेश में अफसरशाही पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो आम जनता तक सुचारू तरीके से समय पर पहुंचे, उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए अफसरों को निर्देशित करना। लेकिन इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान गुस्सा हो गए। गुस्सा भी ऐसे कि बैठक के बाद कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये जो मैराथन बैठक थी, इसमें सभी बड़े अफसर मुख्यमंत्री कार्यालय के मौजूद थे और मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए थे। लेकिन इसी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कटनी कलेक्टर को टोका। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके इलाके में एक महिला जो कि नसबंदी का इलाज करवाने आई थी, ऑपरेशन करवाने आई थी, उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कटनी कलेक्टर से मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था जिसका जवाब कटनी कलेक्टर ने नहीं दिया था। बस फिर क्या था, शिवराज सिंह चौहान ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कटनी कलेक्टर को पहले तो सबके सामने डांट लगाई, उन्हें फटकारा। इसी बैठक के दौरान नीमच के एसपी पर भी मुख्यमंत्री नाराज दिखे। नीमच एसपी को उन्होंने कहा कि नीमच में जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नीमच में ध्वस्त हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नीमच एसपी से भी काफी नाराज दिखे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सिर्फ नाराजगी नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि जिन जिलों ने अच्छा काम किया है, जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिला है, उन अफसरों की बाकायदा तारीफ भी की गई। इसी बैठक में उन जिलों के नाम गिनाए गए जहां पे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हुआ है। उन जिलों के भी नाम गिनाए गए जहां पे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत बेकार रहा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जब बाहर निकले तो उसके बाद कटनी कलेक्टर एसबी सिंह और नीमच एसपी मनोज कुमार राय पर गाज गिर गई और आखिरकार उन्हें हटा दिया गया। साफ है कि जिस तरीके से इस बैठक के दौरान दोनों को फटकार लगाई गई थी, ये एक्शन होना ही था और इस एक्शन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी प्रशासनिक अफसरों को कड़ा संदेश दे दिया है कि अब जो काम होना है वो बदले हुए ढंग से करना होगा। सरकार की छवि धूमिल ना हो, इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर और ईमानदारी से पहुंचाना होगा। कटनी कलेक्टर बताए, नसबंदी के लिए लगाया बेहोशी का इंजेक्शन, महिला की मौत, कटनी के बिलाजी भरा गया था, नसबंदी सीमित जवाब क्यों नहीं दिया? सर ये परसों 3 दिन पहले की घटना है सर, ये और ये वहां पे एक सिविल लगा था सर। नहीं नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ से कहा गया तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई और तत्काल रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? सर ये मैं संज्ञान में नहीं है सर, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा सर, इसमें नहीं है। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, सीएमओ को भेजिए, मेरे यहाँ जिम्मेदार अफसर हैं, वो अगर कोई ऐसी कटिंग आती है अखबार की तो जिलों को भी भेजते हैं, विभाग को भी भेजते हैं। आपकी ड्यूटी है कि खबर अगर गलत है तो खंडन करवाएं उसका, और खबर सही है तो उस पर एक्शन लें।